हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अभी अभी आपको आज नोटिफिकेशन निकला है जो RRB का अप्लीकेशन स्टेटस जान सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमको RRB के वेबसाइट पर जाना है, क्लिक RRB। ठीक है, यहाँ खोलेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यहाँ पर खुल जाएगा। आप आकर जिस जोन से भरे हैं, ग्रुप डी या ग्रुप डी भरे हैं या असिस्टेंट लोको पायलट जिस स्टेट का है आप उसी से डालिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम पटना का चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो दिखा रहा है कि ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट लोको पायलट बेरिस, ये देखिए 11/7/2018 से और 20/7/2018 के बीच में देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। फिर चुनने का दे रहे हैं कि आप किस स्टेट से अप्लाइड किए थे। तो आप जी ये इसमें तो वो घड़ी उस समय आपको नहीं दिया गया था कि कौन सा स्टेट चुनना है, लेकिन आप जो नेटिव स्टेट हैं, जो जहाँ का आपका डोमिसाइल है वहीं चुनिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम बिहार से, ठीक है, तो बिहार का डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार का आप रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड डालकर आप जान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बैंक में ग्रुप डी के लिए, यहाँ पर देखिए ग्रुप डी के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करेंगे आप जिस बोर्ड से डाले हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोलकाता बोर्ड से डाले हैं तो कोलकाता से ही से कोलकाता का क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर और एक कैप्चा डालकर आप लॉगिन कीजिएगा तो दिखा देगा। ठीक है, तो आप अपना जो स्टेटस फॉर्म का जान सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।